हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। गाइज, आज का दिन स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह सारी साफ सफाई हो गई है, नहा धो के मैंने हेड वॉश कर लिया है अच्छे से। और गाइज, आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द मैरिड वुमेन जो मुझे देख रहे हैं, जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो उन सबको हैप्पी करवा चौथ। आई होप आपका दिन अच्छा शुरू हुआ हो, बहुत ही अच्छा रहे, आगे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा स्पेंड हो, अच्छे अच्छे रेडी हो आप। तो अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा अपने पिक्स, मैं भी देखना चाहूँगी कौन कैसे लग रहा है आज मेरे सब्सक्राइबर्स। सो अभी मम्मा बस किचन में है, मम्मा बना रहे हैं सब्जी, आइए उनसे भी मिलवा देती हूँ। और पापा अंदर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो आज सब्जी क्या बन रही है पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ। सो गाइज, मैं हूँ किचन में, अब मैं आपको बता दूँ आज सब्जी क्या बन रही है। आज सब्जी बन रही है गाइज ये, अब ये क्या है, अभी आपको देखने में लग रहा होगा ये दही है, दही नहीं है गाइज, ये है मलाई। सो मैं आपको बता दूं कि आज बनेगी मलाई की सब्जी, जो मैं दो दिन से मम्मी को बोल रही थी कि बना लो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मलाई की सब्जी, आई लव मलाई की सब्जी। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने खाई है कि नहीं खाई है मुझे नहीं पता, अगर नहीं खाई है ना तो डेफिनेटली ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, फॉलो कर लीजिएगा और आज ही बना के ट्राई करना, बहुत ही मस्त वाली सब्जी बनती है। और अगर बहुत ही रॉयल सब्जी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और अगर खाई है तो डेफिनेटली आप लोगों को टेस्ट पता ही होगा है ना, वो तो इसे पसंद करेंगे ही क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट टेस्ट ऐड हो जाएगा उनकी डिक्शनरी में, उनकी टेस्ट की डिक्शनरी में। लेकिन अगर जो पनीर नहीं खाते हैं ना, स्पेशली पूर्णिमा तू सुन ले, तू पनीर नहीं खाती है तो ये मलाई की सब्जी टेस्ट करके देखना, बहुत ही औसम बनने वाली है। पनीर खाना भूल ही जाओगे, वैसे तो वो खाते ही नहीं है लेकिन वैसे ही टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है इसका। तो आओ मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ, तो बहुत ज्यादा कुछ इसके लिए नहीं करना आपको, तो आइए दिखाती हूँ। तो सिंपली ये देखिए गाइज, जो तड़के का मसाला होता है ना वो तो आप सबको ही तैयार करना आता है, उसके लिए स्पेशल कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। प्याज और टमाटर को अच्छे से नमक मिर्च मसाले के साथ, जो आप मसाला रेडी करते हो किसी भी सब्जी के लिए, ग्रेवी के लिए, बस वही आपको तैयार कर लेना अच्छे से। एक बार ये तैयार हो जाएगा फिर आपने ऑयल कम डालना, हाँ क्योंकि ना इसमें मलाई में भी, मलाई के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है, देसी घी होता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि उसको किस तरह से यूज करना है आपको। और बस ऑयलिंग कम रखिएगा अपनी, और ये फटाफट तड़का अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेते हैं, ढक देते हैं। हाँ ये मसाला रेडी कर लीजिए, इसे ढक देते हैं, अब हम दिखाती हूँ थोड़ी देर में, और तब तक मिलवा देते हैं आपको पापा से। गुड मॉर्निंग, आज कैसा है रूटीन? आजकल पापा कहीं जा रहे हैं, सुबह उठ के आधा पौना घंटा लगाकर आते हैं, तो आज आपको बता ही देते हैं। कितने दिन हो गए आज आपको? 7 days हो गए। क्या कर रहे हो आजकल बताओ जरा व्यूअर्स को। कार सीखने की कोशिश कर रहा हूं। गाड़ी चलाना, ड्राइविंग सीख रहे हैं गाइस, तो 7 days हो चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? आधी सीख ली है। क्या कुछ समझ में आया? स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच सब कुछ। गियर वगैरह सही लगा लेते हो? मेन तो गियर में दिक्कत आती है ना। सो और कितने दिन के लिए जाना है? अभी तो 4-5 दिन और जाऊंगा। 4-5 दिन और है। सो गाइज, ये गाड़ी सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, मैं भी सीखूंगी बहुत जल्द। तो आज आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? करवा चौथ है आज। नहीं कहना क्या है, वो तो मैडम कहेगी, मैंने कहा। नहीं आप भी बता दो, आपको कैसा लग रहा है? मैडम आपके लिए फास्ट रख रही है आज। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ये देखिए गाइज, ये मसाला हो गया है, और अब हमें इसमें ऐड कर देनी है मलाई। ये 3 दिन की मलाई, ये 3 दिन की मलाई है जो मम्मा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे स्लो टू मीडियम आंच पे। मम्मी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ इसका क्या हाल होने वाला है, अभी तो आपको ये ऐसी लग रही होगी, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। ये बन गई हमारी सब्जी गाइज, ये देखिए ये मलाई की सब्जी एकदम तैयार है, और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ना इतना सारा, ये देसी घी है, इसे आप अलग से निकाल करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। इसको आप यूज करिए पराठास के साथ, रोटी के साथ, एज ए देसी घी आप इसे यूज करो, या किसी सब्जी में आप इसे यूज करो, बहुत ही अमेजिंग है ये देसी घी, बिल्कुल अलग करके आप ये सब्जी इंजॉय कर सकते हो, और ये सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है गाइज, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस आ गई हूँ, और आते ही ना मेरा दिल खुश हो गया, मेरा भी, क्योंकि दो खुशखबरी मिली हमें। एक तो हमारे राम बाबू जी वापिस आ गए हैं बिहार से, जो 1.5 महीने के बाद हमें दर्शन दिए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। हमारा जो कलीग्स में से एक पार्ट था वो हमसे बिछड़ गया था 1.5 महीने के लिए, लेकिन अब वापिस आ गया। मोटो अच्छा लग रहा ना? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत याद किया। अभी आपको मिलवाते हैं राम बाबू जी से भी। और दूसरी खुशखबरी, जो हमारे न्यूली वेड है, जिसका मैंने आपको कल दिखाया था ब्लॉग में, जिसने मेहंदी लगाई थी, उसका लुक देख के ना दिल एकदम गार्डन हो गया है। सो अभी आपको उसका लुक भी दिखाते हैं, बड़ी प्यारी लग रही है आज, बहुत सुंदर बन के आई है। सो आओ दोनों से मिलवाते हैं।
सबसे पहले मिलिए हमारे राम बाबू जी से। हाँ जी, कैसा लग रहा है वापिस आके? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आया। याद आई यहाँ की? सबकी याद कर रहे थे यहाँ, हम वहाँ पे हम सबकी याद कर रहे थे। आपकी स्वागत है। एक्चुअली ये इसका पेट डायलॉग है, जब भी कोई हमारे यहाँ स्टोर पे आता है ना, आपकी स्वागत है, ये हमेशा ऐसे ही बोलता है। तो बड़ा ये क्या था मोटो, ये हरकत? तो ये देखिए गाइज, ये है हमारी हीरोइन, कितना सुंदर बन के आई आज। सीरियसली नजर ना लगे, मेहंदी दिखाओ अपनी, ये देखिए न्यूली वेड है और इसने प्रॉपर अपना लुक बहुत अच्छा लिया आज। पीच कलर का ये सूट पहना हुआ है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, कैसा रहा आपका, शुरुआत कैसी रही करवा चौथ की? बहुत प्यारी। क्या किया सुबह उठ के? खाया। सरगी क्या खाई आज? दूध और सेवैया, फेनिया। ओके, हाँ हाँ भाई, सास के सासू मन ने दिया सुबह 4 बजे। अच्छा जी, तो भूख लग रही है? नहीं अभी नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद पूछूंगी। थोड़ी देर बाद पूछूंगी तुझसे। ये कोई बात नहीं, कल मंगा लेना। नहीं, आज ही मोटो, आज ही पिज्जा खाएगी तेरे सामने। तो हस्बैंड का रिएक्शन बताओ कैसा था? लेने आएंगे आज? अच्छा, टाइम से जाएंगे आज तो आप, आज आप जल्दी चले जाओगे। सो बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। मेकअप दिखाओ ना। तो गाइज आप ये देखो, ये मेकअप भी अच्छा करती है लड़की, मेहंदी भी बहुत सुंदर लगाती है। सो आप बताना जरा इसे कमेंट करके कि कैसी लग रही है। ये मम्मा को लग रही है मेहंदी, और ये लगवाने पापा के साथ ही गए थे, मैं तो जा नहीं पाई क्योंकि मैं ऑफिस चली गई थी सुबह, और वो उसके बाद गए हैं रेडी होके मेहंदी लगवाने। तो ये क्लिप मैंने आपके लिए ऐड कर दी, आप देख सकते हो दोनों हाथों में उनके मेहंदी लग रही है, और उनके बाद जो फोटोज़ हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि इस लुक में फ़ोटोज़ कैसी उन्होंने क्लिक कराई थी। बहुत ही सुंदर लुक लग रहा था उनका। आप भी मुझे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। तो आइए मेहंदी लगने के बाद जो फोटोज़ है, जो सूट के अंदर फोटोज़ है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, अभी अभी मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है मुझे, एक्चुअली आज दिन में ही रिसीव हो गया होगा घर पे। तो मैं अभी ऑफिस से आई थी, अभी 9 बज रहे हैं, और तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी आईब्रो पेंसिल गाइज, ये मेरी ख़त्म हो गई है, और ये मेरा 3rd to 4th जो है मैंने इसको रिस्टॉक किया है। आई स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है गाइज, इतना मस्त वाला इसका, मतलब कि मुझे अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा, इसका आउटपुट बहुत अच्छा लगा गाइज। आप भी ट्राई कर सकते हो, under 100 rupees ये मिल जाती है बहुत ईजिली स्विस ब्यूटी की, और इसमें 2 शेड आते हैं, ब्लैक और ब्राउन। मैं ब्राउन ऑर्डर किया था, तो ये मैंने एक मंगवाई थी, और एक मैंने फ्रेगनेंस, मुझे ना फ्रेगनेंसेस का बहुत ज़्यादा शौक है गाइज, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने प्लम गुडनेस का ये बॉडी लविंग का मैंने शेयर किया है आपके साथ, हवाइन रूम्बा बॉडी मिस्ट है ये, और ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इसके बारे में ना मैंने बहुत सुना है, तो अभी तक ट्राई नहीं किया था मैंने, तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए मंगवाया है हवाइन रूम्बा। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसे सुबह यूज़ करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसी फ्रेगनेंस है इसकी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि जस्ट ये 2 चीज़ें मैंने रिसीव करी हैं। सो गाइज, पूजा हो गई है, मॉम ने फास्ट भी खोल लिया, हमने खाना वाना भी खा लिया है अभी, और अभी मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ किचन में, और मैं चाय बना रही हूँ। बट गाइज, आई एम रियली सॉरी, जो पूजा हुई उस टाइम का मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, मतलब मैंने शूट किया और ऐसा लगा कि मुझे ब्लॉग चल रहा है बट कैमरा ऑन ही नहीं हो पाया, तो वो मिस हो गया मुझसे, बट आई एम रियली सॉरी। बट कोई बात नहीं, अभी हम चाय पियेंगे साथ में बैठ के, चाय बन रही है, और उसके बाद जो है आपको एक चीज़ भी शेयर करनी है। चाय पीते पीते मैं आपको बताऊंगी पापा आज कहीं गए थे, कहाँ गए थे, किस काम के लिए गए थे, और क्या मैं शेयर करना चाहती हूँ वो भी आपके साथ इसी ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। तो पहले इसे बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइज, चाय आ गई है मेरे अंदर, मम्मी ने तो चाय फिनिश भी कर दी, मैं अभी पी रही हूँ आराम आराम से, चस्के ले लेके साथ में खा रही हूँ नमकीन, और अभी पापा से मिलवाते। पापा आप कहीं गए थे आज? बेटी सवेरे मैं अखबार पढ़ रहा था ना, जब उसमें खबर थी भी आज एक गाड़ी चलाई है नई, वंदे भारत। अच्छा,
हाँ मैंने भी सुना था। तो वो ये लिखा था भी यहाँ पे 150 पे कनाल से गुजरेगी वो। ओके। मैंने भी सोचा, मैंने कि देख क्या हूँ, कैसी गाड़ी है, क्या बात है, बिल्कुल नई ट्रेन हमारे इस एरिया में पहली बार ट्रेन आई है वो। अच्छा। वो चलाइए ऊना से चलेगी, ऊना से चल के ऊना कहाँ है? ऊना हिमाचल में है। अच्छा। ऊना से चल के रुकेगी आनंदपुर साहब, फिर रुकेगी चंडीगढ़, फिर रुकेगी अम्बाला, फिर सीधी दिल्ली। तो दिल्ली तो जल्दी पहुंच जाएगी फिर। हाँ, और ट्रेनों के मुकाबले 1.5 घंटा कम लगेगा उनसे। मैं तो मैं गया था, 1:50 का टाइम था, मैं घर रोटी भी नहीं खाई थी, मैं इधर आके रोटी खा लूंगा। कैसी लगी ट्रेन? 3 बजे ट्रेन आई है वहाँ। अच्छा। हाँ, बैठ रहे वहाँ पे। फिर ट्रेन आई, ट्रेन में और कौन था? कई लोग तो थे। हाँ जी। गाड़ी को देख के तो आ गया मजा, गाड़ी ने चकाचक बिल्कुल। अच्छा। फर्स्ट क्लास। हाँ, दरवाजे में बिल्कुल मेट्रो की तरह बंद होते हैं, फर्स्ट क्लास। और गृह मंत्री विज चंडीगढ़ से बैठे, अनिल विज। हाँ, चंडीगढ़ से बैठे थे, अम्बाला उतर गए थे। अच्छा। बाकी मेरे को तो मेरा जो उसका किराया भी तो महंगा होगा। किराया महंगा होगा, अभी तक पब्लिक के लिए 19 तरह से चलेगी वो। अच्छा। यहाँ चलती है शताब्दी, हम वो भी देखते थे हम। उसके बाद ये वंदे भारत तो पहली बार देखी हमने आज, और देख के मजा आया। न्यूज वालों ने पूछा नहीं आपसे कुछ? हाँ, सारा मीडिया था वहाँ पे। आपसे नहीं, इंटरव्यू आपका भी लिया। मेरे को कह रहे थे अंकल जी आपसे कुछ सवाल जवाब करें, आप बताओगे? हाँ एकदम, मैंने भी बात करी है, वो दिखाएंगे अपने चैनल पे। वो मैंने भी बात करी। कौन सा चैनल? जनता न्यूज पे। चलो जी गाइज, अगर आपको देखनी हो ना तो जनता न्यूज लगा के आप देखना, पापा आपको जरूर नजर आएंगे वहाँ पे। सो गाइज, चाय तो मेरी फिनिश नहीं हुई, पर पापा पूरी एक्साइटेड हो रखे हैं, आज गाड़ी देख के आए हैं, बहुत खुश है कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है। तो हम लोगों के लिए तो 19 तारीख से वो ओपन हो जाएगी फॉर पब्लिक, तो देखते हैं कभी ना कभी ज़रूर उसमें भी सफ़र करेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली आपको आज का व्लॉग, मिला जुला व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और अब मुझे आ रही है बड़ी जोर से नींद, अभी बज रहे हैं रात के 10:15। तो बस गाइज, अब मैं चाय पी के थोड़ी देर में टाटा फिस हो जाएगी, मिलूंगी आपसे कल। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चलिए मिलते हैं कल दोस्तों, बाय बाय।